सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। इसे सब कुछ बेचना ही है तो फिर इसे वान को भी बेच दे। $4.5 लाख पर नाइट सर ये बाहर के मुल्कों में रहते थे, तो 65 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है। ऊपर बोलने का मौका दिया सर जी, जो बजट होता है वो बेसिकली पिछले जो हालात होते हैं उसे सबक सीखना होता है, मौजूदा हालात पे काबू करना होता है, और जो नेक्स्ट जिस तरफ हुकूमत ने जाना होता है, कौम ने जाना होता है, वो टारगेट सेट करता है। तो बेसिकली जो इस दफ़ा अभी ये PMLN ने अपना बजट पेश किया, तो सर ये इसका टेन्योर का तो पहला बजट है, लेकिन ये पिछले 35 साल से हुकूमत करते रहे हैं तो तजर्बा इनका बहुत ज़्यादा है। इसलिए फिर मैंने स्पीकर साहब इनका पूरा बजट पढ़ा, पूरे बजट में जो कि 19,000 खरब का एक इंतहाई खौफनाक बजट है, उसमें पता चला कि महंगाई, सूद, बेरोज़गारी, और सर इनके अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है सर मजमूई तौर पर गधों की तादाद में जो है वो इजाफा हुआ है। सर पूरे बजट की तकरीर में ये सर ये मेरे पास है, इसको पढ़े, कोई विजन नहीं है, कोई फिगर नहीं है, कोई स्टेटिस्टिक्स नहीं है सर, के सिवाय हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर साहब है सर, उन्होंने इस बजट तकरीर में लिखा हुआ है कि ये पूरी की पूरी बजट तकरीर हर पेज पे लिखा हुआ है कि नवाज शरीफ का और शहबाज शरीफ का विजन है। तो सर इनका जो पहले वाला विजन, मैं जरा आपको ये बता दूं कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो विजन है वो मुल्क को स्टील मिल का खसारा 206 बिलियन दे चुके हैं, PIA का खसारा ये 622 बिलियन दे चुके हैं, बिजली का खसारा ये 2.7 ट्रिलियन दे चुके हैं, सुई गैस का खसारा ये 3 ट्रिलियन दे चुके हैं, मेट्रो बस का जो कि लाहौर का है और पिंडे का है, और इसमें मुल्तान शामिल नहीं करी क्योंकि मुल्तान जो है वो बंद हो गया है, अपने इकोनॉमिक सर्वे में लिखा है सर 35.5 बिलियन का खसारा नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का जो है वो विजन है। फिर सर खुद ही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 38% पे अफराते जर बढ़ गई है, जो कि हम 11% पे छोड़ के गए थे, रिजीम चेंज करके हमारी हुकूमत को गिराया गया था। फूड इन्फ्लेशन ये खुद कह रहे हैं कि 48% के ऊपर चली गई है, और सर इकोनॉमिक ग्रोथ अभी ये माइनस में है, ये कह रहे हैं कि हम 2.83% करने की कोशिश करेंगे, टारगेट है, और फिर उसके ऊपर ये मजमूई तौर पर मिठाई भी बांटेंगे, भंगड़े भी डालेंगे, जो कि हम जब रिजीम चेंज किया 2022 में सर ये 6.1% के ऊपर इमरान खान छोड़ के गए थे। सर एक्सपोर्ट ये 25 बिलियन पे नीचे लेकर आए, हमने 26% के साथ इजाफा किया था, 36 अरब की हाईएस्ट के ऊपर बिलियन के ऊपर जी हमारी हुकूमत लेकर गई थी। सर रेमिटेंस पे ये 23 बिलियन के ऊपर ये लोग नीचे लेकर आए, हाईएस्ट जो हम लोग गए सर इसको 26.1 बिलियन के ऊपर लेकर गए। सर जैसा कि आपको हमारे एक और MNA साहब ने आपको फरमाया सर, 2,80,000 का मकरूज हर बच्चा, चाहे सर उसके तन पे कपड़े नहीं है, चाहे उसके मुंह में निवाला नहीं है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की विजन की वजह से यह मुल्क मकरूज है। सर फिर ये इन्होंने सोचा, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सर ये बजट तकरीर का चैप्टर है जी पेज नंबर 10 पे, सर ये कहते हैं कि मुल्क में सरमायाकारी लेकर आनी है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक। सर जरा वो चैप्टर बढ़े, वो चैप्टर सरमायाकारी का कहता है कि तमाम असासे बेच तो कोड़ियों के भाव, घर का सामान बेच के नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के विजन के मुताबिक जो ये सामान लेकर आएंगे बेच के, उसमें सर इन्होंने टॉप प्रायोरिटी खुद लिखी है। ये कहते हैं हम PIA को बेच देंगे, हम रोजवेल्ट होटल को बेच देंगे, हम हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन को बेच देंगे, ये फर्स्ट वुमेन बैंक को बेच देंगे, हवाई अड्डों में सर ये इस्लामाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बेच देंगे, कराची एयरपोर्ट को बेच देंगे, तमाम बिजली के कारखाने बेच देंगे। सर जी सर सब कुछ बेचना ही है तो फिर इसे वान को भी बेच दें, इसको भी आउटसोर्स कर दें। पहले भी 20-20 करोड़ में यहाँ पे बोलिया जो है वो बकरा मंडी लगा के रिजीम चेंज करा के जमीर फरोशी करके पूरे वान को तो वैसे ही बेच दिया था, तो सर इसे वान को भी बेच दें, अगर बेच के सारा खसारा पूरा करना है। और सर वैसे भी चूंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, इंटीरियर मिनिस्टर भी इम्पोर्टेड है, हमारे पासपोर्ट जब्त है, हम मुल्क से बाहर नहीं जा सकते। ये विजन कहता है कि हॉलैंड से आया हुआ बंदा जो कि हॉलैंड का शहरी था कुछ दिन पहले,
वो बताएगा कि डेरा गाजी खान में पाकिस्तानी चौक के पर बैठा हुआ सरायकी या बलोच या मुहाजिर या पाकिस्तानी क्या सोचता है, उसकी क्या ख्वाहिशात है। सर ये हमें आके हॉलैंड का शहरी आके बताएगा। अगर इतना ही सर विजन है तो अपने साथ वाले बंदों से ये पूछ लेते कि अगर मुल्क में सरमायाकारी करनी है, सर इनका पिछला रिकॉर्ड है, इन्होंने सर पाकिस्तान के टैक्स पेयर के पैसे से इनका स्टाफ मियाँ साहब को और मियाँ साहब खुद सर $4.5 लाख पर नाइट सर ये बाहर के मुल्कों में रहते थे। सर 165 रुपए का जो बिल अखबार का था वो भी कौमी खजाने से इन्होंने डाला है। और सर आने जाने के किराए में इन्होंने $28,000 जो है वो डाले हैं पाकिस्तान के खर्चे के लिए। और सर ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कहती है, और मैं सर मौजूदा ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का भी वेट कर रही हूँ, कि 2017 में 18 में PMLA ने 5.8 खरब खर्चियों में उड़ा दिए। सर मौजूदा भी हम करेंगे कि मौजूदा ऑडिटर जनरल क्या कहता है। सर ठीक है, ये कहते हैं विजन है। अगर ये सर ये समझते हैं कि ये सूटेड बूटेड होके जब कतरे चाइना जाएंगे, कैटवॉक करके किसी और मुल्क जाएंगे और ये कहेंगे कि हमारे मुल्क में सरमायाकारी है, तो सर मेरा इनसे सवाल है कि फिर आपकी सरमायाकारी बेल्जियम में, ऑस्ट्रेलिया में, लंदन में, अमेरिका में, दुबई में क्यों निकलती है। 33 खरब के इनके असासे जो हैं वो इस वक्त दुबई लीक्स के अंदर निकल आए, उसके ऊपर तो इनको सांप सूंघ जाता है। 38% बजट के अंदर इन्होंने इजाफा किया है। कहते तनख्वाहदार की जेब से और निकालो, जो गरीब तबका है उसकी जेब से और निकालो। तो सर अगर हम इनको टैक्स दे दें और मजीद इजाफी दे दें ताकि ये मजीद जो है वो दुबई के अंदर या किसी और मुल्क के अंदर जो है वो सरमायाकारी कर ले, किसी को भी सर सजा नहीं मिलती है, हर एक के ऊपर ये चुप कर जाते हैं। अभी सर इन्होंने बजट में 19 खरब का बजट है 19 ट्रिलियन का। सर इनकी प्रायोरिटी चेक करें, इनके प्रायोरिटी में सर पेज 15 के ऊपर है फूड सिक्योरिटी, सस्ती बिजली, मौसमियाती तब्दीली, मोहम्मद डैम, दियामिर भाषा डैम, चश्मा राइट बैंक किला, पट फीडर किनाल बलोचिस्तान, किसान पैकेज और एजुकेशन जो है वो टॉप यूनिवर्सिटीज की हायर एजुकेशन। सर इन तमाम चैप्टर्स के लिए 19 खरब के बजट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 238 बिलियन इन्होंने रखे, टोटल मिला के 238 बिलियन। अब सर दूसरी तरफ जो इनका PSDP है उसमें 101% इजाफा हुआ है, 14 बिलियन का इनका PSDP है, 100 बिलियन उन्होंने इजाफे दे दिए, 1500 हो गए। और सर जो BIST का प्रोग्राम है वो है 593 बिलियन का। सर ये टोटल मिला के 19 खरब के बजट में बलते हैं 2093 बिलियन। ये ठीक है सर BIST के ऊपर हमें कोई इतराज नहीं, सिवाय इसके किस में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लेकिन सर ये बाकी जो PSDP से ज्यादा गलियां बनेंगी ना, सोलिंग बनेंगी ज्यादा से ज्यादा सर, वो आप अपनी नालियां ठीक करेंगे ना, एक्सचेंज से लेकर एजर तक सारे के सारे इसमें अपना 10% लेंगे। लेकिन सर ये जो दूसरा चैप्टर है जिसमें पाकिस्तान को सबसे ज्यादा जरूरत है उसके ऊपर आपने तो टोटल मिला के 238 बिलियन दे दी है। ऐसी सर मौसमियाती तब्दीली का मैं चैप्टर बढ़ रही थी, क्लाइमेट चेंज का। सर सारी दुनिया को पता है कि क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान दुनिया के टॉप रिस्क इंडेक्स में 5th नंबर के ऊपर आता है। और सर 3.8 बिलियन का GDP का पाकिस्तान का लॉस हुआ है 1999 से लेकर 2018 तक, और इंसानी जानें अलग से जो हैं वो जाया हो गई हैं। आपके सामने है कि जब कराची के अंदर भी सैलाब आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है, तो 37 लोग एक ही रात में शहीद हो जाते हैं, खड़ी फसलें हमारी तबाह हो जाती हैं, वाटर लेवल हमारा 600 मीटर से फुट से नीचे चला गया है। एक तरफ खुशसाली है, दूसरी तरफ कैद साली है। सर आपको पता है, सर आपको पता है कि उन्होंने इसमें टोटल मौसमियाती तब्दीली के लिए कितना बजट रखा है। सर 2024 का बजट इन्होंने लगा है 4 बिलियन। और सर हम 2022 में जब रिजीम चेंज किया गया था हम इसको 15 बिलियन के ऊपर ले गए थे। सर ठीक है कि आपको नहीं पसंद हमारी सियासत, लेकिन 10 बिलियन ट्री सुनामी बंद कर देने से जो कि दुनिया में आपकी पजीराई हुई थी, आपका दुनिया का एक सॉफ्ट इमेज आपका चला गया था, इमरान खान साहब के खिलाफ है, लेकिन 10 बिलियन ट्री सुनामी को बंद करने से सर आप कौन सी पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी ले आएंगे, कौन आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। आपका एक सॉफ्ट इमेज गया था, क्लीन ग्रीन पाकिस्तान आपने वो जो है वो खत्म कर दिया, ई व्हीकल पॉलिसी आपने खत्म कर दी, बल्कि उसके ऊपर भी आपने कोई बजट लगाया। बल्कि सर मैं चाहूंगी कि मैं पॉलिसी बजट, इन्होंने तो क्लाइमेट चेंज को शामिल भी नहीं किया जिसके ऊपर हम कट मोशन दे सकते हैं, पॉलिसी के ऊपर कट के ऊपर सर मैं क्लाइमेट चेंज को चाहती हूँ कि आप इसके शामिल करें। सर दूसरा मेरा पॉइंट है पाकिस्तान के यूथ के बारे में। सर 70% से ज़्यादा लोग जो हैं वो 35 से 40 साल की उम्र से कम है। पाकिस्तान दुनिया में 2nd बड़ा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जिसके अंदर नौजवान है। सर ये इनका अपना इकोनॉमिक सर्वे कहता है 119% इंक्रीज इन आउटडोर ब्रेन ड्रेन ऑफ
skilled worker in 2023. Also, 26.6% rise in departure of highly qualified individuals. Sir, इसमें डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं. एक तो सर 50% आपकी जो इंडस्ट्री वो बंद हो गई है. सर दूसरी तरफ नौजवानों ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, 8 फरवरी को आपके लिए निकले. उन्होंने हथियार नहीं उठाया, उन्होंने सर वोट की पर्ची के जरिए उन्होंने कहा कि हम इनकलाब लेकर आते हैं. सर इस बजट में आपने उम्मीद तोड़ दी है. मुझे फाइनेंस मिनिस्टर बताएं कि इस बजट में उन्होंने नौजवानों के लिए क्या रखा है. जब उन्होंने आपको वोट नहीं दिया तो आपने क्या किया कि आपने पढ़े लिखे नौजवानों को हथकड़ियाँ लगा दी. आपने उनके घरों के ऊपर जो है वो माओ और बहनों बेटियों को उनके सामने आपने उनको घसीटा, आपने उनको जेल में डाला. कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था. सर इनको एहसास है PMLN को, PDM को, कि 1947 के बाद मुल्क से सबसे बड़ी हिजरत पाकिस्तान से होने जा रही है और आपका ब्रेन ड्रेन हो रहा है. ये सर यहाँ पे ऊपर हॉल के अंदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बैठे हुए हैं. आप इनको ये बताना चाहते हैं कि आप अपनी मर्जी से वोट की पर्ची डालेंगे तो हम जो है आपके लीडर के ऊपर जो है उसको 31 साल के रातों रात सजा दे के काल कोठरी में बंद कर देंगे. अगर आप अपनी मर्जी से वोट डालेंगे तो आप डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी, आलिया हमजा जैसी, बुशरा बीबी जैसी खवातीन को आप सड़कों के ऊपर घसीटेंगे. आप उनकी इद्दत के उसमें केस के अंदर आप हाथ डालेंगे. नौजवानों की आप तजलील करेंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट को खत्म कर देंगे. कभी डिजिटल दहशतगर्द करेंगे, कभी कहेंगे कि इल इनफॉर्म्ड यूथ है. सर वो आपको चाहे बाहर बैठे हुए हो चाहे पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हो, वो आपको आपके असली करतूत दिखाते हैं, आईना दिखाते हैं. अगर आपको आईना नहीं पसंद, अगर आपको आईने में अपनी शक्ल नहीं पसंद, बदसूरत लगती है, तो अपने करतूत से देख करें, आईना मत तोड़ें. आप पाकिस्तान के नौजवानों को मायूस मत करें. सर इस बजट में आई एम सॉरी टू से इस बजट में यूथ के लिए कोई पॉलिसी नहीं है, कोई विजन नहीं है, कोई बजट इसके अंदर नहीं रखा गया. फिर सर मैं साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है. सर साउथ पंजाब से मेरा ताल्लुक है. सर मैं महरूम तबके को रिप्रेजेंट करती हूँ. सर 1947 से लेकर अब तक हमारे सराय की वसेब के लोग अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, सराय की सुबह मांग रहे हैं. आप तो तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं. सर दो ही पॉइंट्स हैं, तख्ते लाहौर को सब कुछ दे देते हैं, लेकिन सर मेरे सराय की वसेब में कोई चीज़ सिवाय महरूम में और कुछ नहीं है. सर पिछली दफ़ा हम लोगों ने साउथ सेक्रेटेरिएट हमारी हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने बनाया इनके लिए. सर उसको पीपल्स पार्टी ने भी सपोर्ट किया. उसमें सर हम लोगों ने पहली दफ़ा साउथ पंजाब के लिए हमने 360 बिलियन का बजट रखा और हमने इसको रिंग फेंस किया. हमने इंश्योर किया कि हमारा बजट यहीं पर साउथ पंजाब के अंदर लगेगा, तख्ते लाहौर नहीं जाएगा. 32% सर हमने एम्प्लॉयमेंट का कोटा रखा कि शायद कोई सरायकी, कोई बलोच, कोई महाजर हमारा किसी नौकरी के अंदर आ जाए. सर अफसोस की बात ये कि टिकटॉक वाली हुकूमत ने, टिकटॉक के चीफ मिनिस्टर ने आते ही सर सरायकियों से पता नहीं क्या दुश्मनी है सर, पूरा का पूरा सेक्रेटेरिएट बंद कर डाला. सेक्रेटेरिएट ही बंद कर डाला, सारे सेक्रेटरीज ही वापस चले गए. और सर मौजूदा बजट मैंने कोशिश की लेकिन सर उसको बिल्कुल उन्होंने ख़त्म कर दिया. सर आखिर मैं अपने डेरा गाजी खान की बात करती हूँ. मैंने सर डेरा गाजी खान को वुमन यूनिवर्सिटी दी. सर पहला वहाँ पर कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल दिया, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल वहाँ पर दिया. 260 गाँव को वहाँ पर बिजली दी, विमेन पार्क वहाँ पर बनाया. अभी सर मैंने पूरा का पूरा PhD पढ़ा. यकीन करें सर डेरा गाजी खान के लिए सिर्फ दुआएं इसमें बजट में. बाकी सर ना कोई बजट है, ना कोई एलोकेशन है, ना सर किसी नए मंसूबे में उन्होंने डेरा गाजी खान को शामिल किया है. सर अफसोस की बात यह है कि आपने कोई फार्म 47 वाला वजीर हमारे सर के ऊपर मुसलत कर दिया है. पूरा डेरा गाजी खान यरगमाल है. सर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग है. जो शख्स आवाज़ उठाता है सर उसको दहशतगर्दी का पर्चा कर दिया जाता है. आप यकीन करें सर साउथ पंजाब की महरूमियाँ आप मुझे इंतहाई अफसोस है. सर आखिरी बात कहना चाहती हूँ, आपने मुझे वाइंड अप करने को कहा है. सर यहाँ पे हम बहुत सारी बातें करते हैं कि जी मुझसे पहले यहाँ पे दो लोगों ने बातें की थी, तो सर मैं ज़रा उनसे एक बात कहना चाहती हूँ कि आप हुकूमत चलाएँ लेकिन सर हुकूमत खवातीन को सड़कों पर घसीटने से नहीं चलेगी. दूसरे सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएँ लेकिन सर हुकूमत शायरों को शेर पढ़ने से पाबंद सलादस करने से जो है वो हुकूमत नहीं चलेगी. सर फिर तीसरा आप ज़रूर हुकूमत चलाएं लेकिन सर एहराम में बंधे हुए जो शख्स एहराम ओढ़ के हज के लिए जाता हो सर उस शख्स को, इमरान रियाज को फ्लाइट से उतारने से भी आपकी हुकूमत नहीं चलेगी. सर तीसरी बात सर आप हुकूमत ज़रूर चलाएं
आप VPN के जरिए आके उसमें सोशल मीडिया पे हमें आप दहशतगर्द कहें, लेकिन सर हकूमत जीरे ब्लेडों के जरिए भी नहीं चलनी है। क्या आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी बाहर जाएगा तो आप सर जीरे ब्लेड के जरिए उसका गला कटवाएंगे, हमारी आवाज दबाएंगे? सर हम इमरान खान के लिए आवाज उठाते रहेंगे। सबसे बड़ा उम्मत मुस्लिमा का लीडर है, पाकिस्तान का लीडर है। जो शख्स बार बार कहती हूँ सर, जो शख्स रियासत की कैद में कह दे कि मुझे डरा हुआ देखना तुम्हारा ख्वाब रह जाएगा, ऐसा शख्स नाकाबले शिकस्त होता है, वो पाकिस्तान को लीड कर सकता है। सर आई एम सॉरी टू से, लफ्ज तो बड़ा सख्त है, लेकिन खुसरों का लिबास पहनने से भी हुकूमत नहीं चलनी है। अगर आपने हुकूमत चलानी है, अगर आपने इस मुल्क को क्राइसिस से निकालना है, आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, नौजवान आपके ऊपर ट्रस्ट करें, तो सर एक ही आखिरी बात है, एक ही लीडर है इमरान खान, उसका नाम है, उसको लेकर आए, उससे माफी मांगे, इंशाल्लाह ये हुकूमत भी चलेगी, ये मुल्क भी चलेगा।